गोरखनाथ मंदिर में 14 जनवरी से खिचड़ी मेला शुरू होगा। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए सोमवार को डीआईजी राजेश डी मोदक और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर के नेतृत्व में जिले के आला अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ बैठक कर योजना बनाई गई और पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। आपको बता दें, मंदिर को 4 जोन 12 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिहाज से कुल 55 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 1020 सिपाही तैनात किए गए हैं। एटीएस, आरएएफ व पीएससी के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में लगेंगे। मंदिर में एक स्थायी थाना और 7 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। वहीं पार्किंग के लिए 10 स्थान निर्धारित किए गए हैं। इस संबंध में डीआईजी राजेश डी मोदक ने बताया कि मेला परिसर में स्थायी थाना व 7 चौकियां क्रियाशील कर दी गई हैं। परिसर में 7 वॉच टावर बनाए गए हैं। मुख्य गेट के सामने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर पुलिस सुरक्षा चौकी के बगल में पीसीओ के ऊपर उत्तरी गेट पर सवेरा मिष्ठान के ऊपर साधना भवन के ऊपर विष्णु मंदिर के समीप पुरानी काली मंदिर के समीप और मेला परिक्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में वॉच टावर एवं लाइट की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे भी उड़ाए जाएंगे। आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग होती रहेगी। मेला परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस और पीएससी के अलावा पैरामिलिट्री भी मुस्तैद रहेगी। भीम सरोवर में बोटिंग होने की वजह से एसडीआरएफ के साथ फ्लड पीएससी भी तैनात रहेगी। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, एसएसपी इंद्र कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी डीआईजी राजेश डी मोदक और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा। प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल न करें, बिल्कुल दुकानदार महोदय नोट कर लें। संख्या कितनी गाड़ी दी है? 50। दो गाड़ी आने जाने की स्थिति बनी है हमारी, वो भी चल जाएगा। ज्यादा आसान काम है वो, आप
जलेबी वाली कढ़ाई है क्या? हेलो आप देख रहे होंगे कि आज हमारे सभी पुलिसकर्मी आमद कर रहे हैं। कल ब्रीफिंग होगी, आज कमिश्नर साहब ने और मैंने और तैयारियों की मीटिंग की है कि क्या क्या तैयारियां, अभी फाइनल टच देना बिल्कुल ज़रूरी है जिन बातों पे। और अभी एक दो जगह जाके स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, जहां सड़क का काम चल रहा है या थोड़ा बड़ा काम बाकी है वहाँ पर हम लोग जाके देख रहे हैं। और सभी अधिकारी जो आए थे बाकी डिपार्टमेंट्स के, उनको फाइनली निर्देश दिया गया कि जो जो काम बाकी हैं, पेंडिंग हैं, उनको कंप्लीट किया जाए। क्या मैं सुरक्षा को लेकर क्या सख्त जिस तरह से? देखिए, इस बार हमने सुरक्षा को लेके कुछ नए इंतज़ाम किए हैं, ताकि सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमने महिला हेल्प डेस्क लगाया पहली बार। इस मेले में महिला जो आती हैं, ये बहुत दूर दूर से और बहुत ज़्यादा मात्रा में महिलाएं आती है, विजिटर्स हैं, तो उनको सुरक्षा देना सबसे हमारी बड़ी प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने महिलाओं को फोर स्पेशल तरीके से स्पेशल ड्यूटीज लगाई है, स्पेशल महिला हेल्प डेस्क लगाए हैं, कुछ स्पेशल कैमराज लगाए हैं जहाँ पे कंट्रोल रूम में महिलाओं की ड्यूटी भी लगाई है। कुछ ऐसे चैन स्नैचर्स को हमने चिन्हित किए हैं जो हर साल यहाँ पे आते हैं और इस तरह के क्राइम करते हैं, तो उनके फोटोग्राफ्स कलेक्शन और ये सब इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए हमने अपने तरफ से लोग लगाए हैं। उसके अलावा भी जनरल सिक्योरिटी में इस बार हमने ज़्यादा फोर्स लगाए हैं और जगह जगह सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं, कमांडोज का एक फोर्स लगाए हैं और बहुत सारे ऐसे नए तरीके हमने डिप्लॉय किए हैं जिससे हमारी सुरक्षा जो है बीफ्ड अप हुई है, हमारी सुरक्षा उच्च कोटि की हुई है। तो नए कुछ टावर्स लगाए हैं, वॉच टावर्स लगाए हैं, कुछ नई चौकियाँ बनाई हैं, तो इस तरह से हमने इस बार बहुत अच्छा सुरक्षा का इंतज़ाम किया है और
मुझे विश्वास है कि हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। थैंक यू। परंपरागत रूप से खिचड़ी मेला मनाया जाता है, उसमें भारी संख्या में जनमानस आता है, और जनमानस एक्चुअली उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जिलों के अलावा नेपाल और बिहार के जनपदों से भी आता है, और उनकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं, ट्रैफिक की हो, सुरक्षा की हो, शौचालय की हो, खान पान की हो, पानी की हो, और अब कोविड संक्रमण के दृष्टिगत कोविड संबंधी जो बचाव के निर्देश हैं, उन सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पूरी टीम यहाँ पर प्रशासन और पुलिस और सारे विभागों की कार्यरत है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें, सारे प्रबंध समय पूर्व से हो जाएँ और उसमें कोई हमारी तरफ से त्रुटि न हो।